बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं एहसान बर्ड चैनल। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज हम आपको बताने वाले हैं एक नुस्खा जो कबूतर का गला ख़राब होता है और ज़ुकाम हो जाता है और उसका जो है पेट ख़राब हो जाता है। तकरीबन आप ये भी देख सकते हो जो उसके वात में चिपचिपा हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, चिपचिपा हो जाती है, वो आपको दूर करने का जो हम आपको बता रहे हैं। ये साइरोसिन एक टेबलेट है, ये आप चेक करें, साइरोसिन, ये साइरोसिन टेबलेट है, ये आप देख सकते हो साइरोसिन हर स्टोर पे मिल जाता है ये साइरोसिन टेबलेट। और ये एथ्रोसिन है, ये एथ्रोसिन है, बिल्कुल बेहतरीन है, गला ख़राब हो और पेट का कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी में है, कबूतर आपका ठीक हो जाएगा। और ये पेनाडाल है, ये आप देखो, ये पेनाडाल है। और ये आपको हम आज बताएंगे मिक्सचर बनाना, ये मिक्सचर आपको कैसे बनाना है। पहले आपको क्या करना है, ये जो है साइरोसिन, इसको ऐसे निकालना है, बाहर निकाल के इसको पीस लेना है इस तरीके से। और इस तरीके से बिल्कुल पीस लेना है, पाउडर बनाना है। कबूतर का गला ख़राब हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो, ये हर मर्द पे काम करता है। बिल्कुल इस तरीके से इसको बिल्कुल आपको पाउडर बनाना है। ये देखें आप, इसको पाउडर बनाना है अच्छे तरीके से। कबूतर को ठंड लग गई है, ज़ुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, ज़ुकाम हो गया है, ये साइरोसिन है, हर मर्ज़ की इसके अंदर दवा है और ये हर मर्ज़ पे काम करता है। और इस तरीके से आपको ऐसे करना है, इसको अच्छे तरीके से इसको पीस के और इसके अंदर डालना है। ये आप सोच रहे होंगे तो ये कौन सा आटा है, तो ये गंदम का आटा है, गंदम का आटा है, बिल्कुल ये गंदम का ही आटा है जो हर घर में होता है। और एक ये एथ्रोसिन, ये भी इस तरीके से आपको पीस लेनी है। ये एथ्रोसिन, ये हो गई चूरा, ये देखें अच्छे तरीके से हो चुकी है। और इसके अंदर पेनाडाल डालनी है एक, इसको भी चूरा बनाना है। इसका मैं आपको फ़ायदा बताऊं, गला ख़राब हो, ज़ुकाम हो, ठंड लगी हो कबूतर की, कबूतर को, और पोटा ख़राब हो, उसके लिए भी बिल्कुल अच्छा है ये। और बिल्कुल कबूतर को ठंड लगी हो तो उसके लिए भी बिल्कुल बेहतरीन है। ये आप मिक्सचर बन चुका है हमारा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। किस तरीके से बनाना है ये भी आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा पहले इसमें पानी डालना है, पानी डालने के बाद इस तरीके से इसको घुमाना है, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद छोटे छोटे आपको टेबलेट बनानी है, छोटी छोटी, ये देखें आप, छोटी छोटी आपको इसके बाद टेबलेट बनानी है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये जो है चीज़ गला ख़राब हो, कबूतर की हो, खांसी हो, ज़ुकाम हो, नज़ला हो, ये उस चीज़ पे काम करता है। ये देखो, ये हमारा मिक्सचर बन चुका है। और उस हिसाब से बनाएं जो आप कर सकते हैं, जितने आपके पास कबूतर हैं उसके ऊपर बनाएं, तो आप छोटी छोटी गोलियां बना सकते हो और कैप्सूल के अंदर भी डाल के आप
देख सकते हो कबूतर को, ये इस तरीके से अब बन चुका है ये हमारा मिक्सचर। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये ज़ुकाम, नज़ला और खांसी, बलगम के लिए बिल्कुल अच्छा है। आप ये ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट अच्छी लगेगी मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं बता रहा हूँ तो आपको गोरी कितनी बनानी है ये भी आपको मैं बना के दिखाता हूँ कितनी बनानी है। बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है, देखें आप, ये इस तरीके से छोटी छोटी आपको बनानी है। ये देखें आप, इस तरीके से, ये देखें आप, ये देखें। और दिन में 3 बार देनी है, 3 बार नहीं दे सकते तो 2 बार देनी है आपको, ये इस तरीके से। बिल्कुल बेहतरीन नुस्खा है हमारा, आजमाया हुआ है, ये देखें आप। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।